हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रवि अश्विन और रवि बिश्नोई के बारे में, जो कि जब से 2020 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है काफी चर्चा का विषय रहा है। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं अश्विन को मेन 15 में जगह मिली है, वहीं बिश्नोई ने रिजर्व में अपना नाम कमाया है। आगे अगर बात की जाए इन दोनों के बारे में, तो पहले स्टेट से शुरुआत करते हैं। अभी तक के इनका प्रदर्शन कैसा रहा, तो आप जैसा कि जानते हैं बिश्नोई ने अभी अभी अपनी करियर की शुरुआत करी है, वहीं अश्विन काफी लंबे अरसे से इस इंडियन टीम के लिए खेलते नजर आ रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में तो वो एक लेजेंड है। अगर IPL और 2020 की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से स्टेट्स नजर आते हैं। रवि अश्विन ने टोटल अभी तक IPL में 184 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 157 विकेट्स लिए। वहीं अगर 2020 की मैं बात करूं तो उन्होंने 56 मैचेस में 66 विकेट लिए। बात की जाए अगर रवि बिश्नोई की, तो जैसा कि आपको पता है अभी उन्होंने करियर की शुरुआत करी और टोटल 2020 आईज में 10 मैच खेले और उसमें 16 विकेट लिए। वहीं उन्होंने IPL में 37 मैचों में 37 विकेट लिए, लेकिन उनकी इकोनॉमी 8 और 7 के बीच में, यानी 7 से भी कम है। तो ये उनके स्टेट्स की बात हुई। जाहिर सी बात है इन दोनों का कंपेरिजन करना ठीक नहीं, क्योंकि लंबा अंतर है मैचेस का। और बात की जाए अगर ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस में, तो रवि बिश्नोई अभी तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले, जबकि रवि अश्विन ने 5 मैचेस खेले और उनमें 5 मैच में उन्होंने 5 विकेट निकाली है। लेकिन ये स्टेट्स के आगे चलकर अपन देखें, टीम का विजन देखें और कुछ अलग बिंदुओं पर चर्चा करें, तो मुझे कुछ इस अनुसार दिखाई देता है। रवि अश्विन एक ऑफ स्पिन बॉलर है और साथ ही आपको एक बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हमने देखा कि उन्हें नंबर 3 पर भी भेजा गया बैटिंग लंबी करने के लिए। तो अगर आप रवि अश्विन का चयन टीम में करते तो शायद आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उनको बैटिंग भी करवा सकते हैं, बैटिंग डेप्थ एज अ फ्लोटर भी यूज किया जा सकता है। बिश्नोई के साथ शायद हमें वो देखने ना मिले। बिश्नोई एक प्रॉपर बॉलर है और बैटिंग में उतना काम ना कर पाए जितना अश्विन करते हैं। आगे चलते हैं, एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप में दोनों को ही ज्यादा मौके नहीं मिले। अश्विन ने 2 मैच खेले और अब रवि बिश्नोई ने 1 मैच खेला, लेकिन वो 1 मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सबको काफी इंप्रेस किया। एशिया कप के अनुसार तो शायद टीम का चयन ना हो, लेकिन ओवरऑल टीम बैलेंस की अगर बात की जाए तो टीम बैलेंस में रवि बिश्नोई, क्योंकि आपके पास यूजी चहल है जो आपको सेम वैरायटी देते हैं जो रवि बिश्नोई भी दे सकते हैं। रवि बिश्नोई कहने को लेग ब्रेक है बट गुगली पे अपना ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यूजी चहल और रवि बिश्नोई दोनों का एक साथ टीम में होना शायद प्लेइंग 11 में शायद इतना आप उसको सपोर्ट ना करें, आप वैरायटी चाहते हैं और इसी वजह से अश्विन आपको वैरायटी देते हैं। अश्विन एक ऑफ स्पिनर नज़र आते हैं और वो बैटिंग डेप्थ भी प्रोवाइड करते हैं, तो टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए भी शायद रवि अश्विन को पहले जगह दी हो रवि बिश्नोई की बजाय, क्योंकि आप अपने स्क्वाड में, अपने टीम में वैरायटी चाहेंगे। टीम कॉम्बिनेशन में भी यूजी चहल और अश्विन दोनों एक साथ आप खिलाना चाह सकते हैं, राजस्थान ने भी खिलाए, लेकिन बिश्नोई और आप यूजी चहल को खिलाते हैं तो शायद वो दोनों एक तरह की बॉलिंग आपको करके दे। वेरिएशंस की मैंने बात करी कि वेरिएशन ऑफ स्पिनर रवि बिश्नोई, ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, उनके पास काफ़ी वेरिएशंस है। उनके पास कैरम बॉल है, उनकी लेग ब्रेक है, उनकी ऑफ स्पिन है, उनके पास इतनी डिलीवरीज है कि हर 6 बॉल पे वो 6 तरह की डिफरेंट बॉल कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने, मुझे लगता है कि अश्विन को पहले मौका दिया बिश्नोई की जगह वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेकिन बिश्नोई का कॉन्ट्रीब्यूशन भी मद्देनजर रखते हुए उन्हें रिजर्व्स में जगह दी गई। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि टीम कॉम्बिनेशन, वेरिएशन, टीम बैलेंस, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस के बलबूते पर अश्विन को पहले जगह दी गई बिश्नोई की जगह। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।